नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 19 वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 19A. सो टेक आउट योर मैथ्स रजिस्टर एंड बुक टू डू द एक्सरसाइज 19A. आई विल टेल यू. So take out your book and notebook, students. We will do exercise 19A. The question number 1 of 19, I will tell you this exercise in your book, but you will do all the questions of this exercise in your maths register. Question 1. The number of students who were absent from class in the month of August is shown in this chart. यहाँ पर students, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नंबर्स यानी कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं क्लास में अगस्त के मंथ में, वो इस टेबल में दिखाया गया है, चार्ट में दिखाया गया है. मेक अ टेबल शोइंग द नंबर्स ऑफ टाइम्स. आपको एक टेबल बनानी है शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स को शो करते हुए अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, और हर एक बच्चे को एब्सेंट कब कब वो एब्सेंट है वो आपको दिखाना है और शो कराना है टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग. सो हेयर यू कैन सी द टेबल. द फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलम टैली मार्क्स, एंड द थर्ड कॉलम नंबर ऑफ डेज. सो यू विल राइट द क्वेश्चन एंड मेक दिस चार्ट द मंथ ऑफ अगस्त एंड द स्टूडेंट वॉज एब्सेंट द पर्टिकुलर डे. The number of students were absent each particular day. Now you will make this table also and fill the table. First you will fill number of absent student 1. टू थ्री फोर एंड फाइव. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द टेबल एंड राइट द टैली मार्क्स. वन स्टूडेंट्स व्हेन एब्सेंट, व्हेन वन स्टूडेंट्स एब्सेंट. सो अगस्त 1, टू स्टूडेंट्स एब्सेंट, वी विल लीव. अगस्त 3, वन स्टूडेंट एब्सेंट, सो वी विल राइट द वन टैली मार्क. देन 8 अगस्त, वन स्टूडेंट्स एब्सेंट, सो वी विल राइट द वन मोर टैली मार्क. नाउ 16 अगस्त, वन स्टूडेंट एब्सेंट. देन 27 अगस्त, वन स्टूडेंट एब्सेंट. Now 31 August, one student absent. So here is the 1, 2, 3, 4 tally marks. And 5th we will cross. And now we will count the number of days. 5 days in August, one students are absent. Now 2 students when absent, we will see the table. August 1, 2 student absent, so we will write here 1 tally mark. 6th August, 20 August, 28 August, and 30 August. Again 5 days in August, two students each day absent. Now 3 students when absent. 7 August, 3 student absent, we will write the 1 tally mark. 10 August, 3 student absent, we will write again 1 tally mark. 14 August, 22 August,
23 अगस्त वी विल क्रॉस द 5th टैली मार्क. फिफ्थ. नाउ 4 स्टूडेंट्स वैन एबसेंट. 13 अगस्त वी विल राइट द 1 टैली मार्क. 17 अगस्त वी विल राइट 1 मोर टैली मार्क. 29 अगस्त वी विल राइट 1 मोर टैली मार्क. सो 1, 2, 3 नंबर ऑफ डेज 3 इन मंथ्स द 4 स्टूडेंट्स एबसेंट इन ईच डे. नाउ 5 स्टूडेंट्स वैन एबसेंट. 2nd अगस्त वी विल राइट द 1 टैली मार्क. 9 अगस्त वी विल राइट 1 मोर टैली मार्क. 24 अगस्त 1 मोर टैली मार्क. या 3 नंबर ऑफ डेज 3 व्हेन 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन मंथ ऑफ अगस्त. नाउ द टेबल इज कंप्लीटेड. द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल. You will do in your notebook. Now question number 2. The number of sums out of 20 done correctly by Farooq in different math tests is shown in the chart. Arrange the numbers in ascending order, then make a table showing the number of times he got a particular sum, particular score. Each sum carried 1 marks. 1 mark. स्टूडेंट द नंबर ऑफ सम्स आउट ऑफ 20. यहाँ पर फारूक का स्कोर दिया है टेस्ट में और उसे आउट ऑफ 20 यहाँ स्कोर मिले हैं. हमें सबसे पहले इन नंबर उसके स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. देन हमें टेबल बनानी है जो कि शो करे नंबर ऑफ टाइम्स ही गॉट अ पर्टिकुलर स्कोर. ईच सम कैरिड 1 मार्क. So first we will arrange the Farooq's score in ascending order. So 15, 16, 17, 18, 19 and 20. This is the ascending order of Farooq's score. Now we will make the table. You will make the table. Score and number of times same as it is. Scores 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now number of times 15. How many times Farooq get 15 score? One time. Only one time Farooq score 15. So we will write here number of times 1. 16. How many times Farooq scores 16? One time, two time. So Farooq scored 2 time, 16 score. Now 17, one time, two time, three time, four time, four times. So we will write here 4 time. Now 18, one time, two time, three time, four time, five time and six time. So we will write here under the 18, 6. Now 19, 1, 2, only two time he get 19 score. Now 20, 1, only one time he get 20 score. So we will write here 1 under the 20. Now after you will make the table from the chart, you will the question A, B, C are given here. You will write the question and read. After reading the question very carefully, you will write the answer. So question A of from this chart is, what score did he get most often? Sabse zyada score, what score did he get most often? कौन सा स्कोर को उसने सबसे ज़्यादा बार
पाया है, कौन से स्कोर को। सो हम यहाँ देखते हैं कि 17 मार्क्स उसने, 17 स्कोर उसने फोर टाइम किया है, सॉरी 18 स्कोर उसने सिक्स टाइम किया है। तो उसने 18 स्कोर को सबसे हाईएस्ट टाइम्स उसने स्कोर किया है। सो वी विल राइट हियर इज 18। सो द आंसर ऑफ पार्ट ए क्वेश्चन इज 18। नाउ क्वेश्चन बी, व्हाट स्कोर डिड ही गेट लीस्ट ऑफ्टन, सबसे कम स्कोर उसने कौन सा किया है। सो इन द टेबल ही गेट लीस्ट स्कोर 20 ओनली वन टाइम, सो वी विल राइट हेयर 20 इन द आंसर ऑफ बी। नाउ क्वेश्चन सी, डू यू थिंक ही इज गुड इन मैथ्स, स्टूडेंट इन क्वेश्चन वी व्हाट स्कोर डिड ही गेट लीस्ट ऑफ्टन। सो उसने 20 स्कोर भी वन टाइम किया है और 15 स्कोर भी वन टाइम किया है। सो हम यहाँ लिखेंगे 20 एंड 15 ही गेट लीस्ट ऑफ्टन। नाउ क्वेश्चन सी, डू यू थिंक ही इज़ गुड इन मैथ्स, सो येस ही इज़ गुड इन मैथ्स, यू कैन सी दैट ही गेट स्कोर आउट ऑफ 20 15 16 17 18 19 20, सो येस आई थिंक ही इज़ गुड इन मैथ्स। सो क्वेश्चन टू इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू यू विल डू योर सेल्फ, यू विल डू इन योर मैथ्स रजिस्टर लाइक दिस वे, very neatly and cleanly. In my next video, we will do the remaining question of this exercise. Thank you.